विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 7 गणित का होमवर्क प्रश्नमाला है अपने भिन्न व दशमलव दिनांक होकर आज अपने 26 अगस्त 2021। पहला क्वेश्चन देखें अपना, तो पहला क्वेश्चन है ऐसे पूर्णांक संख्याएं जिसमें यानी भिन्न किसे कहते हैं। तो आपको भिन्न की परिभाषा और भिन्न के प्रकार व नाम लिखने हैं। तो देखिए, ऐसी पूर्णांक संख्या जिसे अंश तथा हंस हर के अंदर व्यक्त किया जाता हो वह भिन्न कहलाती है, यानी जिसे अपन P अपॉन Q में व्यक्त कर सकते हैं वो क्या कहलाएगी, आपकी भिन्न कहलाएगी। और भिन्नों के नाम लिखने हैं, तो भिन्नों के नाम अगर आप लिखना चाहें तो देखिए, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न व व्युत्क्रम भिन्न। आगे देखें दूसरा क्वेश्चन, उचित भिन्न किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उचित भिन्न की परिभाषा होगी वह भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाती है, जैसे 1/3, 1/5 आदि। तीसरा क्वेश्चन देखें, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, तो उसके उचित की विपरीत होगी अनुचित, जब भिन्न का अंश हर से क्या होगा, बड़ा होगा, तो अपनी अनुचित भिन्न कहलाएगी, जैसे 5/8, 3/2। चौथा क्वेश्चन देखें, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न के में बदलिए। तो देखिए, 17/7 दे रखा है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न का मतलब जिसे अपन भाग देंगे, तो 17 में देखो 7 का भाग 2 बार गया, 7 × 2 = 14, पीछे बचा 3, तो इसे अपन लिख सकते हैं 2 सही 7/3, यानी 2 सही 3/7। और 9/2 देखा है, तो 4 × 8 और 1, तो इसे लिख सकते हैं 4 सही 1/2। इस तरीके से इन दोनों को अपन साधारण भिन्न, अनुचित भिन्नों को अपन ने मिश्र भिन्न में बदला। पाँचों क्वेश्चन देखें, तो तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, 2/3 × 5 तुल्य भिन्न लिखिए। तो तुल्य भिन्न यानी वह भिन्न जिनका सरलतम रूप क्या होता है, समान होता है, तुल्य भिन्न कहलाती है। यानी उन भिन्नों को क्या करेंगे, सरल करेंगे तो सेम ही राशि आपको प्राप्त होगी। जैसे अगर देखें, तो देखिए अपन को 2/3 × 5 लेनी है, तो मैंने 2/3 को पहले 2 से गुणा करवाऊँ, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से गुणा करवाऊँगा, तो मेरे को भिन्नों प्राप्त हो रही है। जैसे 2 से गुणा कराया तो 4/6, 5 से करवाया तो 5/10/15, 3 से करवाया तो 6/9, 6 से करवाया तो 12/18, 4 से करवाया तो 8/12। अब देखिए, अगर इनको सरल करेंगे ना, तो वापस अपन को क्या प्राप्त होगा, सभी के अंदर 2/3 ही प्राप्त होगा। तो ये सभी आपस में क्या है, तुल्य भिन्न है।